नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन की समस्याएं कुंभकर्ण की नींद की तरह हैं। 6 महीने तक इसी तरह से चलेंगी, लेकिन 6 महीने में तो चुनाव है। ऐसा तो नहीं कि तब तक सारा युद्ध खत्म हो जाए और कुंभकर्ण जगे ही नहीं। समस्याएं तो अपनी जगह हैं। मुझे लगता है कि शायद समाधान करने वाले लोग भी समाधान कम और समस्याएं ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो मांझी जी की कहीं ना कहीं एग्जिट से ज़्यादा चिराग की एंट्री पर लोगों का चर्चा है। चिराग पासवान महागठबंधन में नहीं आएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाँ, ये जरूर बात है कि चिराग पासवान महागठबंधन की इस गणित का उपयोग अपने फायदे के लिए करेंगे, लेकिन कांग्रेस की बेचैनी ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान को फायदा पहुँचवा दिया है। अब बात यहाँ ये है कि एक तरफ जब खुद ही तेजस्वी यादव और राजद ये बात बोल चुकी है कि सीएम के चेहरे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और सीटों के समीकरण के लिए तो हर जगह इकाई बनी हुई है, जगदानंद सिंह से बात कर लीजिए, उनसे सीटों का समीकरण बना लीजिए, तब आखिर क्यों रुक रहे हैं हर कदम पे, हर मायने पे जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी कभी अल्टीमेटम देते हैं, तो कभी अल्टीमेटमों की अवधि पूरी हो जाने के बाद किसी और पार्टी के हवाले से एक और अल्टीमेटम दे देते हैं। फिलहाल उनके अल्टीमेटमों की अवधि की आखिरी तिथि चल रही है। कल उन्हें डिसीजन लेना है कि वो महागठबंधन में रहेंगे, तीसरे मोर्चे में जाएंगे, या एनडीए की तरफ अपना रुख करेंगे, वो भी नीतीश कुमार के रजामंदी से, या क्या करेंगे। ये जो भी करना है कल उन्हें कर लेना है। लेकिन इस बीच खबर ये है कि कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने अपने लिए महागठबंधन में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। कांग्रेस जीतनराम मांझी को साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरह से एडमिट लग रही है। कांग्रेस जीतनराम मांझी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहती। अब इसके लिए जो भी कारण आप दलील दे सकते हैं, हो सकता है कि जीतनराम मांझी पुराने कांग्रेसी रहे हों, हो सकता है कि जीतनराम मांझी कहीं ना कहीं महागठबंधन की उस जोड़ घटाव, जो जीत का गणित है, उसका हिस्सा कांग्रेस की तरफ से हों। जो भी परिस्थितियाँ हों, महागठबंधन में जीतनराम मांझी को फिलहाल कांग्रेस ही रोक रही है, और कांग्रेस के चलते ही वो महागठबंधन में टिक भी सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी जो बातें हुई हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो क्या हैं? आखिर जीतनराम मांझी की तरफ से कैसे प्रयास किए गए हैं, जिसको जिसका रिजल्ट क्या निकला है, ये भी जान लीजिए आप। तो सीधे तौर पर एक तरफ तो जहां जीतनराम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि सीएम के चेहरे को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ वो भी नहीं करेंगे, जब तक तय नहीं कर लिया जाएगा बैठक में तब तक वो किसी भी आदमी का नाम चाहे कोई प्रस्तावित करें वो नहीं मानेंगे सीएम के तौर पर। अब खबर ये आ रही है कि जब कल तेजस्वी यादव ने ये बात कह दी है कि उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है, ऐसे ही नहीं बल्कि उन्हें पूरी पार्टी ने एक संसदीय तरीके से रिजोल्यूशन पास करके उन्हें मौका दिया है। अब बड़ी बात यह है कि जब तेजस्वी यादव संसदीय तरीके से चुनकर अपनी पार्टी की तरफ से प्रपोज किए गए हैं, और उनके प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि उनकी कांग्रेस के आला कमान से भी बात हुई है, वो ऐसे ही नहीं अपने नाम को दे रहे हैं, तब इस पर विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जीतनराम मांझी अपनी गणित को बिगड़ते हुए नहीं देख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर उनके प्रवक्ता की बात की जाए तो सवाल खड़ा कर दिया है, और ये जानने का प्रयास किया है, हालांकि जानने का प्रयास कम किया है और आईना दिखाने का प्रयास ज़्यादा किया है। आपको पता होगा कि जब जगदानंद सिंह को अपनी तरफ से नियुक्त किया था तेजस्वी यादव ने सीटों के समीकरण को बनाने के लिए, तब कहीं ना कहीं हमने एक पहल करते हुए, मजाकिया पहल करते हुए अपने प्रखंड अध्यक्ष को सामने कर दिया था कि यही कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारी तरफ से रहेंगे और यही जगदानंद सिंह के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद जब सारी बातें सामने आई और तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम घोषित किया, तब भी प्रवक्ता जो हैं इनके जीतनराम मांझी के, दानिश रिजवान, इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है तेजस्वी यादव के उनके ऊपर, और उनसे सवाल पूछा है कि आप बताइए कि आपको कब और किसने सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन का घोषित किया? क्या आपकी बात सोनिया गांधी से हुई? क्या सोनिया गांधी ने आपके कान में कहा था कि आप सीएम उम्मीदवार बन जाइए? क्या राहुल गांधी ने आपको घोषित किया था सीएम उम्मीदवार के तौर पर? अगर हम बात करें एनडीए में, तो वहाँ कई बार सार्वजनिक मंच से अमित शाह ने ये बात कही है कि कप्तान हमारे नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन क्या महागठबंधन में कोई मीटिंग हुई है? क्या महागठबंधन की उस मीटिंग के बारे में हमें बताया गया था?
अगर कोई मीटिंग हुई है तो कांग्रेस भी आकर सामने ये बात कहे कि उसने तेजस्वी को सीएम मान लिया है, अन्यथा तेजस्वी ये बार बार जो खुद को सीएम खुद ही अपनी ही राग अपने खुद से अलापते हैं, अपने ही ढोल खुद पीटते हैं, इसको वो बंद कर दें। अब आप समझ सकते हैं कि जहां परिस्थितियां बनाने की ओर बढ़ रही थी, फिर से एक बार महागठबंधन में बड़ा रार छेदना तय है। इन परिस्थितियों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, लेकिन एक बड़ा बयान और तेजस्वी यादव का आज ही आया है। उन्होंने सुबह ही हलचल बिहार की राजनीति में मचा दिया, ये कह के कि लालू प्रसाद यादव की वापसी होगी बहुत जल्दी। सितंबर से अक्टूबर के बीच में लालू प्रसाद यादव की वापसी हो जाएगी और इसके कारण बिहार की राजनीति बहुत हद तक बदल जाएगी। लेकिन आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं आ रहे हैं। हमने सारी संभावनाओं पर चर्चा की है, हमने देखा है कि लालू प्रसाद यादव किस कारण से अपनी सजा की अवधि आदि पूरे करने के बावजूद अन्य सजाओं में कहीं ना कहीं उनको अन्य आरोपों में दोषारोपित किया गया है, जिसके चलते वो बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया है? इन्होंने ऐसा बयान इसलिए दिया है ताकि बिहार की राजनीति में लालू यादव की उपस्थिति का उनको फ़ायदा मिल सके। महागठबंधन में जो परिस्थितियां हैं, आपको पता होगा कि जब भी घर में बच्चे बदमाशी करते हैं, भले ही पिता के घर में आने का समय न हुआ हो, लेकिन माँ बच्चों को डराने के लिए झूठ बोल देती है कि पापा बाहर खड़े हैं या पिता बाहर खड़े हैं, वो कभी भी किसी वक्त आ सकते हैं, बच्चे ऐसे सतर्क हो जाते हैं। इसी तरह से महागठबंधन में जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, इन्हें सुलझाने के लिए तेजस्वी यादव ने एक ये ऐसी बात कर दी है जिसको होना तो तय नहीं लग रहा है, लेकिन इससे महागठबंधन में मांझी जी हो, मुकेश सहनी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सभी को ये जरूर लगेगा कि अगर लालू यादव बाहर आ जाते हैं तो उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा, अगर वो उनके खिलाफ रहेंगे तो उसका नुकसान भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला इसी तरह से लगातार भारत लाइव पर चलता रहेगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।